कुछ जन्मजात नेता हुए हैं, कुछ संयोग से और कुछ धन और भाग्य के जोर पर, मगर वल्लभ भाई पटेल अपने गुणों से नेता बने। उनका जीवन लगन, संकल्प, साहस, अनुशासन और परिश्रम का साकार रूप था। अपने एक जन्म दिवस पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आपके स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने शायद कुछ कड़वी बातें कही होंगी, मगर उन्हें दवा की कड़वी खुराक समझिए। वल्लभ भाई का जन्म हुआ था 1875 में। उन्होंने करमसद की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। नडियाद में पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। पुस्तकें मांग मांग कर अध्ययन किया और वकील बने। पिताजी ने गोधरा में वकीलात शुरू की। 2 साल उनकी सुपुत्री मणि बेन ने कहा, पिताजी ने पूरी तैयारी मिलाई जाने की बैरिस्टर होने के लिए। ताऊ जी ने कहा कि पहले मुझे जाने दीजिए, बाद में मैं जा नहीं सकूंगा। पिताजी मान गए और उनका वहां का सारा खर्चा का बोझ आपने उठा लिया। कोर्ट में एक केस चला रहे थे जिसमें फांसी की सजा होने का संभव था, तब माता के देहांत का तार आया। जब वे हत्या के एक मामले में पैरवी कर रहे थे, तब उन्हें अपनी पत्नी के देहांत का तार मिला। वे तार को जेब में रखकर पैरवी करते रहे। उन्होंने कहा कि एक की जिंदगी तो गई, दूसरे की तो बचा लें, और उनका मुवक्किल साफ बच गया। जब उनके भाई इंग्लैंड से लौटे तो वल्लभ भाई के जाने की बारी आई, वे लंदन गए। तब दक्षिण अफ्रीका में श्री मोहनदास करमचंद गांधी इस उधेड़ बुन में थे कि मानव अस्तित्व का नैतिक आधार क्या होना चाहिए। वल्लभ भाई 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की। तब भारतीय नेताओं की सरगर्मियों से उनका कोई वास्ता न था। तब आए गांधी जी। ।1915 में गांधी जी ने गुजरात क्लब में भाषण दिया। बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल उस समय क्लब में ताश खेल रहे थे। उन्होंने गांधी जी की आदर्शवादी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और खेल जारी रखा। लेकिन तब एक विचित्र घटना घटी। 1918 में भयानक बाढ़ आई और गुजरात के खेड़ा जिले की 75% फसल चौपट हो गई। लेकिन सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई। गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ने का फैसला किया। तब वल्लभ भाई को एहसास हुआ कि गांधी जी वास्तव में कर्मठ पुरुष हैं। वे सत्याग्रह आंदोलन में जूझ पड़े और उन्होंने वकालत छोड़ दी। गांधी जी ने कहा था, अगर वल्लभ भाई साथ न देते तो सत्याग्रह सफल न होता। 1919 में ब्रिटेन ने बदनाम रॉलेट एक्ट जारी किया। इसके अंतर्गत किसी को भी गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकता था। गांधी जी ने इस काले कानून का विरोध करने की आवाज उठाई। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बिना कारण सेना ने शांत सभा पर गोलियां बरसाईं और सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला और घायल कर दिया। अब आजादी के आंदोलन ने जोर पकड़ा। ।1920 में गांधी जी ने देशव्यापी
असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की घोषणा की। चरखा आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। वल्लभ भाई भी कांग्रेसियों के समान खादी पहनने लगे। नागपुर में अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रीय झंडा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी। वल्लभ भाई और विट्ठल भाई नागपुर गए। उन्होंने झंडा सत्याग्रह की अगुवाई की, जिसे शानदार सफलता मिली। किसानों की हालत खराब थी। 1920 में चीजों की कीमतें गिर गई थीं, किसानों को घाटा हो रहा था, मगर सरकार और ज्यादा लगान वसूल करने पर तुली हुई थी। बारडोली के गरीब किसानों ने सरकार से लगान में छूट देने की प्रार्थना की, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। उनकी फरियाद सुनी वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने किसानों से मुसीबतें झेलने के लिए तैयार होने को कहा और बारडोली सत्याग्रह का आयोजन किया। हजारों किसानों ने उनका साथ दिया। बहुत से लोग जेल गए। जमीन, मवेशी, बर्तन भांडे सब जब्त किए जाने के बावजूद लोगों ने सत्याग्रह जारी रखा। अब डुबकी पीटकर सरकारी अफसरों के आने की चेतावनी दी जाती, कोई बाहर नहीं निकलता, दरवाजे बंद कर लिए जाते। सारा देश दम साधे हुए 9 महीने तक इस संघर्ष को देखता रहा। श्री के एम मुंशी ने कहा, ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। सरदार ने बड़ी हिम्मत से बारडोली के 80,000 किसानों को अपने साथ लेकर सत्याग्रह चलाया। मेरे लिए यह एक महान घटना थी। सत्याग्रह सफल हुआ। सरकार पुरानी दर पर लगान वसूली के लिए तैयार हो गई। उसने जांच का आदेश दिया। बारडोली सत्याग्रह के बाद वे सरदार कहलाने लगे। उन्होंने देश भर का दौरा किया, किसानों की सेवा का बीड़ा उठाया। अब बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति महात्मा गांधी के साथ हो गए। ১৯২৮ में साइमन कमीशन भारत आया, सांविधानिक परिवर्तन की सिफारिश करने। मगर इस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी मेंबर न था। कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। एक शांतिपूर्ण जुलूस में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा गया। बाद में गहरे जख्मों ने उनकी जान ले ली। सारे देश में दुख और क्रोध की लहर दौड़ गई। आजादी की इच्छा और बलवती हो उठी। लाहौर में 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में लोगों ने पूर्ण स्वराज्य हासिल करने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प किया। पूर्ण स्वराज्य की मांग को अंग्रेजी हुकूमत ने ठुकरा दिया। गांधी जी ने विद्रोह करने की ठानी, नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। सरदार पटेल को दांडी मार्च के रास्ते भर के लोगों में उत्साह जगाने का काम सौंपा गया।
उन्हें रास में गिरफ्तार करके साबरमती जेल में ठूंस दिया गया, इसलिए वे गांधी जी की दांडी यात्रा में शरीक न हो सके। इकतीस में सरदार पटेल कराची कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उसी वर्ष गांधी जी गोल में सम्मेलन में शरीक होने लंदन गए। सम्मेलन सफल नहीं हुआ। इधर स्वदेश में किसानों पर ज्यादा अत्याचार होने लगा। वापस लौटने पर गुरु और चेला दोनों यरबड़ा जेल में बंद कर दिए गए। जब जेल में उन्हें पता चला कि सरकार बारडोली आश्रम को बेच रही है, तो वल्लभ भाई ने हंसी हंसी में कहा, ठीक ही तो है, हमने भी तो उनकी जेलों पर कब्जा कर लिया है। सरदार पटेल बीमार थे, फिर भी वे हंसी मजाक से बाज नहीं आए। नजरबंदी के दौरान उनकी माता और बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल का देहांत हो गया। 1936 में कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव लड़ने का फैसला किया। सरदार पटेल उम्मीदवार चुनने वाली उप समिति के अध्यक्ष बने। 10 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ये कांग्रेस की लोकप्रियता का प्रमाण था। जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ा, तो वायसराय ने ऑर्डिनेंस जारी कर भारत को भी युद्ध में घसीट लिया। हमारे नेताओं से सलाह तक नहीं ली। कांग्रेस इस लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने को तैयार थी, बशर्ते लड़ाई समाप्त होते ही भारत को आजाद कर दिया जाए। मगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना था कि भारत पहले डोमिनियन स्टेटस के लायक तो बने। कांग्रेसी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और लोगों से कहा कि वे अंग्रेजों की लड़ाई में मदद न करें। 1942 में जब जापानी भारत की सीमा पर पहुंच गए, तब रूजवेल्ट ने चर्चिल को भारतीय समस्या का हल ढूंढने के लिए मजबूर किया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर आए और भविष्य में आजादी दिलाने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस अंग्रेजों की चाल समझ गई, उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बंबई 8 अगस्त 1942, कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। सरदार पटेल ने कहा, अब भारत किसी भी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। गांधी जी ने भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा। हमारी लड़ाई अंग्रेज लोगों से नहीं है, ये तो सरकारी नीतियों से है। उस रात देश के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सरदार पटेल को अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी और दूसरे नेताओं को नजर बंद कर दिया, मगर वो उनकी आवाज को दबा नहीं सकी और सारे देश में भारत छोड़ो का नारा गूंज उठा। जनता के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। 1000 से ज्यादा लोग गोली से भून दिए गए और 2000 से अधिक जख्मी हुए। 1,00,000 से ज्यादा जेलों में ठूंसे गए। इतिहास में कहीं भी इतनी बड़ी जनक्रांति की मिसाल नहीं मिलती। ¶¶
चौक में लड़ाई समाप्त हुई। सभी भारतीय नेताओं को रिहा कर दिया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने सांविधानिक रद्दोबदल पर बातचीत के लिए उन्हें शिमला बुलाया। दुर्भाग्य से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद होने के कारण कोई नतीजा नहीं निकला। घटनाएं घटती गईं। जब जापान ने हथियार डाल दिए तब मजदूर सरकार ने ऐलान किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस को केंद्र और 8 प्रांतों में बहुमत मिला। कैबिनेट मिशन आया। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और मिस्टर एवी अलेक्जेंडर सत्ता सौंपने के बारे में समझौता कराने आए। इस काम में सब राजनीतिक दलों का एकमत होना निहायत जरूरी था। मगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मतभेद मिट न सका, इसलिए कैबिनेट मिशन ने समस्या का हल सुझाया। संविधान सभा स्थापित हुई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी। सरदार पटेल ने गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाला। आखिर मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हुई। लियाकत अली वित्त मंत्री बने, मगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने पर अड़ी हुई थी। देश भर में दंगे हुए। देश का बंटवारा करना जरूरी हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बने। सभी पार्टियों ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1947 को दोनों आजाद डोमिनियनों को सत्ता सौंप दी जाए। स्वाधीन भारत की पहली सरकार में सरदार पटेल गृह मंत्री बने। उनके सामने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों की गंभीर समस्या थी। सरदार ने कहा, हम इस समस्या का सामना करेंगे और कामयाब होंगे। इसके बाद सरदार 500 देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के काम में जुट गए। लेकिन ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है, और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है वो गुमाना नहीं चाहिए। देशी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलीनीकरण शायद सरदार पटेल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। गांधी जी की हत्या से सारा देश अनाथ हो गया। सरदार को गहरा सदमा पहुंचा, पर उन्होंने कहा कि आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, हमें गांधी जी के आदर्शों को साकार बनाना है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। यद्यपि सरदार का स्वास्थ्य खराब था फिर भी वे सारे देश का दौरा करते रहे। अपने आचरण से लोगों में लगन और अनुशासन की ज्योति जगाते रहे। वे वास्तव में भारत के लौह पुरुष थे। गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड लेबर मस्ट ऑल, क्या सरकार क्या उद्योग क्या मजदूर, सबको राष्ट्रीय भावना से काम करना चाहिए। अगर देश डूबा तो हम भी डूब जाएंगे, खुशहाल हुआ तो हम भी खुशहाल होंगे।
happier and better state of living. Who flourishes if the country sinks into economic slavery? Who sinks if the country prospers? इस महान देशभक्त लौह पुरुष का हृदय नम्रता, दया और भारतीय जनता के लिए असीम प्रेम से भरपूर था। वे वास्तव में भारत के महान सेवक थे, सच्चे देशभक्त थे और थे भारत की आजादी के निराले सेनानी। दिसंबर 1950 स्वतंत्र भारत के एक प्रमुख निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का बंबई में देहावसान हो गया। 30 से अधिक वर्षों तक वे आजादी के लिए लड़े, जनता की एकता और कल्याण के लिए काम करते रहे।